जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर चारू मुद्दर, प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स एंड वास्तु। हम एक वीडियोस का सीरीज कर रहे थे जहाँ मैं आपको आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके सक्सेस का डायरेक्शन बता रही थी। सक्सेस के डायरेक्शन के चुनाव के लिए आपको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट से लेकर 31st तक आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है उससे आप अपने सक्सेस का डायरेक्शन का चुनाव ईजिली कर सकते हैं। 1st से लेकर 31st को जिस भी डेट पर आपका बर्थडे आता है आपको उससे अपने सक्सेस का डायरेक्शन ईजिली पता लग जाएगा। 1st से लेकर 4th तक हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज टर्न है नंबर 5 की। अगर हम नंबर 5 के बारे में बात करें तो अगर आपका बर्थडे 5th, 14th या 23rd ऑफ एनी मंथ आता है, यू रूल्ड बाय द प्लैनेट मर्करी। जी हाँ, बुध बुद्धि का कारक है, इसलिए नंबर 5 पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। नंबर 5 पीपल हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ग्रेट ग्रास्पिंग पावर। अगर हम इनके बोलने की बात करें, इनके बोलने की कला की बात करें, तो बातों में जीतना, हाजिर जवाबी, इनमें इनका कोई जवाब नहीं है। नंबर 5 पीपल बहुत ही जल्दी बातें समझते हैं, बातें पकड़ते हैं, महफिल की जान है, चाइल्ड लाइक है, बहुत एंटरटेनिंग है, बचपने की बातें करते हैं, सबका खूब मनोरंजन करते हैं, दे कीप अस एंटरटेन्ड। बट अगर हम इनके नेगेटिव की बात करें तो नंबर 5 पीपल बचपने में अपने घर की बातें, अपनी पर्सनल बातें लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं और उनसे इनको करना पड़ता है निराशा का सामना। नंबर 5 पीपल को कोई अथॉरिटी, कोई कंट्रोल, कोई क्वेश्चनिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं अगर इनसे क्वेश्चनिंग करी जाए, इनके ऊपर अथॉरिटी दिखाई जाए तो। अगर हम नंबर 5 पीपल की एक और ट्रेट की बात करें तो दे आर सेट टू बी रेकलेस ड्राइवर्स। तो नंबर 5 पीपल, आपने अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देना है। अगर हम इनके सक्सेस के डायरेक्शन की बात करें तो इनके सक्सेस का डायरेक्शन है नॉर्थ। जी हाँ, उत्तर, रूल्ड बाय मर्करी, इनके सक्सेस का डायरेक्शन है नॉर्थ। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टिप्स, ट्रिक्स, वास्तु, आप पितृदोष, कुछ भी इजी रेमेडीज जानना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी के ट्रेट्स जानना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय माता।